नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और कुछ अहम खबरों का। इटावा में सक्रिय एसिड अटैक गैंग, 15 दिनों में दूसरी बार महिला पर डाला गया ज्वलनशील प्रथा। इटावा के मेन साड़ी बाजार में 15 दिनों में हुआ दूसरी बार महिलाओं पर एसिड अटैक। बाजार में खरीदारी करने आई महिला पर अज्ञात लोगों ने फेंका ज्वलनशील पदार्थ। महिला के ऊपर तेजाब गिरने से महिला की कमर और पैर का पंजा जला। कोतवाली थाना क्षेत्र की पक्की सराय का है मामला। इटावा शहर में पिछले 15 दिनों में दो बार महिलाओं के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का मामला सामने आ चुका है। आज महिला के ऊपर फेंकी गई ज्वलनशील पदार्थ में महिला की कमर व पैर का पंजा जल गया है। इटावा शहर की नई मंडी निवासी 38 वर्षीय ममता यादव आज पक्की सराय के साड़ी बाजार में साड़ी खरीदारी करने आई थी, मगर दोपहर के समय साड़ी खरीदते समय अज्ञात लोगों ने महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे महिला जल गई। घटना की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, महिला से पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद मौके पर ISP सिटी प्रशांत कुमार प्रसाद के मुताबिक महिला मार्केट में साड़ी खरीदने आई थी और वहां पर उसकी साड़ी पर कोई तरल पदार्थ गिर गया, जिससे महिला की साड़ी आपस में चिपक गई और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तहरीर के हिसाब से मामला दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। इटावा शहर के साड़ी बाजार में तेजाब डालने का वाकया दूसरी बार 15 दिनों के अंदर हुआ है, जिसको देखकर लगता है कि इटावा की कोतवाली पुलिस निरंकुश है, क्योंकि शहर के बीचों बीच स्थित मार्केट में हर चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, फिर भी आपराधिक किस्म के लोग किस तरीके से घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं, यह समझ से परे है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं सामान खरीद रही थी, पीछे से कोई आके केमिकल डाल दिया, अब है क्या ये भगवान जाने। गीतेश शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए, आज मार्केट में फिर से एसिड अटैक की बात आई है, महिला के ऊपर कुछ तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया है, क्या पूरा मामला है? ये 15 दिन में दूसरी घटना है ये बाजार में, बीच बाजार में दोपहर के समय तेजाब की। तो क्या लग रहा है ये 15 दिन दूसरी घटना, क्या कोई गैंग सक्रिय हुआ है या क्या? हाँ, आपराधिक टाइप के लोग हैं, तो आपराधिक तत्व टाइप के लोग हैं, वो बाजार में सक्रिय हैं और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। हर चौराहे पे पुलिस रहती है, फिर ये लोग कैसे काम करके निकल जाती हैं? इसमें तो पुलिस की लापरवाही है। आज जो महिला जली है, कितनी जली है, कितना क्या है? हमने तो पूरा ऐसा है, सुनने में आया कि उसके पैरों में और कमर के निचले हिस्से में तेजाब फेंका है। आप भी एक व्यापारी हैं, आपकी साड़ी की दुकान है, क्या लग रहा है इससे दुकानदारी खरीदारी पे? और इससे नहीं, औरतों में भय व्याप्त होगा, औरतें आएंगी नहीं, मार्केट में नहीं निकलेंगी, सब डर का माहौल बनेगा, बाजार प्रभावित होगा। क्या कोई गैंग सक्रिय हुई इटावा में, एसिड अटैक गैंग टाइप का? देखिए, इस संबंध में इसकी विवेचना हो रही है, जो एक पहले भी घटना हुई थी उसका FIR यहाँ पर दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना हो रही है, और ये दूसरी घटना संज्ञान में आया है, तो ये दोनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है, इस संबंध में भी हम इसको जांच कर रहे हैं। फिलहाल ये दोनों महिलाओं के द्वारा ऐसी कोई रंजिश या किसी से विवाद या नहीं उनके द्वारा बताया गया है कि उस रंजिशन ऐसी कोई घटना घटित हुई हो, उनको हम केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हम भेजेंगे और मार्केट में और सतर्कता बरतेंगे और यहाँ पर अधिक से अधिक हम पुलिस पर को लगाएंगे। देखिए, आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जो तिकोनिया मार्केट है वहाँ पर वो साड़ी खरीद रही थी, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी साड़ी पर कोई केमिकल या कोई तरल पदार्थ उसकी साड़ी पर गिर गया है, जिससे उसके साड़ी का कुछ हिस्सा जो था आपस में चिपक गया और उसके कुछ ड्रॉप्स उसके पैरों पर भी जो है पड़े हैं। इस संबंध में उस महिला के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर आवश्यक वैधानिक जो कार्रवाई की जाएगी, और उस महिला के जो कपड़े हैं वो कपड़े लेकर हम उसको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे कि वास्तविक रूप में वो कौन से केमिकल थे जिससे ऐसी घटना हुई है, और इस संबंध में जो मार्केट है, बाज़ार है, यहाँ पर हम और अधिक हम सतर्कता बरतेंगे और यहाँ पर महिला कांस्टेबल के साथ जो पुरुष कांस्टेबल है उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाएगी। सर, 15 दिन में